डीजीपी दे साहब दे दिशा निर्देशा ते नवांशहर एसएसपी डॉक्टर अकल चौधरी वालों जिले के 12 थाणियां दियां महिला पुलिस नूं एसएसपी दफ्तर विखे लैपटॉप ते कैमरे दिते गए ते इस मौके ते एसएसपी साहब वालों 4 मोटरसाइकिल ते 4 गड्डियां नूं कीता गया रवाना। तुसी देख रहे हो नवांशहर दुआबा यूट्यूब चैनल ते कश्मीरी लाल कैथ गर्चा दी ए विशेष रिपोर्ट। चैनल नूं सबसक्राइब करना ना भुलना, वीडियो देखते सार ही चैनल नूं सबसक्राइब करो ता जो जिला शहीद भगत सिंह नगर दी हर रिपोर्ट हर खबर थोड़े तक पहुँचती रहे। मैम थोड़ा ऊंची बोलिए। मैं पिछले साल तो लगी सितंबर तो इंच ठीक है केहो जे मामले आए थोड़े को केहो जे रिस्पांस है लोकां दा जिस तरह मान लो हस्बैंड वाइफ दे चेहरे आंदे ने कि वीडियो कहंदे सानू ड्रिंक करके कुत्ते मार दे आ ते साइबर क्राइम दे भी आ जांदे आ ते फिर नूं जण की ये कह रहे वे साडी वधिया सुनवाई हो गई है ते जे जिहदे हल हुंदा है उहनां नूं बैक अपने कॉन्टैक्ट करीदा है गिणती है। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਆਉਂਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜੀ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਦੂਸਰੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਵੀ 3-4 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁਲਾਉਣ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਪਰਵਾਨਾ ਨੋਟ ਕਰਾਈਦਾ ਆ ਉਸ ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਲਈਦਾ ਹੈ। जो मतलब जिन्हां दी कंप्लेंट है उन्हां नूं तुसीं सुनदे हो उन्हां ते मतलब की मतलब एक्शन जो करदे हो उस च की सर? उन्हां नूं पहला परवाना नोट करवाईदा है, परवाना नोट करवा के उन्हां टाइम दे दीदा है, फिर टाइम ते जदों आ जांदे आ टाइम हांजी हांजी ਸਰ ਵੈਸੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਬਟ ਜਿਵੇਂ ਫੇਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਆਈ ਡੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਅਨਨੋਨ ਕਾਲ। ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇਚਰ ਆਫ ਕੰਪਲੇਂਟ? ਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਡੋਗਸ ਨੂੰ ਪਾਈ ਕਰੀ ਠੀਕ ਤੇ ਫਰਕ ਕਰਦਾ ਐਵਰੇਜ ਦੋ ਕਿੰਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਬੜੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕਰਾ ਦੋ ਦੋ नहीं बेसिकली ना जो जो पुलिस का जो कम्युनिटी अफेयर्स डिवीजन है पंजाब पुलिस का जो पुलिस का सांझ प्रोजेक्ट है ना बेसिकली उसी का ही पार्ट है। तो पंजाब पुलिस महिला मित्र जो है एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर लेकर के टर्म की गई है, अदरवाइज जो है एम्बिट वही है ना कम्युनिटी अफेयर डिवीजन के अंदर ही टुटे रिश्ते निभाने भूमिका निभा रहा है। हाँ दिस इज वन पार्ट ऑफ द टोटल कंप्लेन हैंडलिंग की काफ़ी कंप्लेंट्स इस तरह की आती है कि उस फर्स्ट लेवल पर कोई रिलेशनशिप इशू हों तो सोशल लेवल पर फैमिली लेवल पर कोशिश की जाती है कि उसका हल हो सके। पुलिस स्टेशन के कोरस्पोंडिंग 12 ही डेस्कटॉप पर सारा सिस्टम दिता जा रहा है ठीक है। भगत सिंह नगर पुलिस के 12 थाणिया के कोरस्पोंडिंग जो 12 पंजाब पुलिस महिला मित्र की टीम काम कर रही है उन्हों की स्मूथ फंक्शनिंग एफिशियंट फंक्शनिंग देखते हुए
उन्होंने डेस्कटॉप दिते जा रहे हैं। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो फोरेंसिक टीम है उन्होंने एक स्टैटिक कैमरा, एक वीडियो और एक उन्होंने लैपटॉप दिता जाए ताकि इन्होंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर स्मूथ फंक्शनिंग हो जाए, कोई भी इशू से प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स करे। हाले तक जो फीडबैक हैगी है पब्लिक से कि पंजाब पुलिस महिला मित्र की जो पुलिस स्टेशन पर टीम पब्लिक डीलिंग करती हैगी तो पॉजिटिव उसका रिस्पॉन्स रहा है, तो लोगों वालों भी खुद रिक्वेस्ट से रिप्रजेंटेशन दी जाती है कि उन्होंने कंप्लेट डिस्पोजल कंप्लेट एड्रेसल PPMM वालों कराई जाए। तो मैं थोड़े माध्यम से लोगों को भी यही अपील करा कि इस कोई संकोच ना कर, कोई भी उन्होंने इशू लगता है तो पंजाब पुलिस महिला मित्र के प्लेटफॉर्म पर आगे आके उन्होंने अपनी प्रॉब्लम दसन। तो वी विल ट्राई टू पुट बेस्ट एफर्ट टू एड्रेस द इशू, रिजोल्व द इशू एंड सैटिस्फाई द कंप्लेन। तो इस इंटेंट और परपज यही है कि उन्होंने एक फ्रेंडली ते कॉर्डियल एटमोसफेयर से उन्होंने गल पेशेंटली रिसेप्टिवली सुनी जाए तो उस बेस से फिर फरदर एक्शन इनिशिएट किया जाए। तो पिछले कुछ टाइम से लोगों ने जो गल दसी है कि जो मतलब एक वन टू वन जब लेडी ऑफिसर लेडी कॉन्सटेबल या जिस रैंक पर भी हैगी है वो गल करते हैं तो उस स्पेशली फीमेल कंप्लेनेंट न लेडी कंप्लेनेंट है उन्होंने सेंस ऑफ सैटिस्फैक्शन भी होंगी है तो उन्होंने लगता है कि उन्होंने गल एक लेवल प्लेटफॉर्म पर सुनी जा रही। तो परपज यही है कि इस पब्लिक सैटिस्फैक्शन इज द की एंड प्रायोरिटी थिंग फॉर अस। तो वी विल ट्राई कि इस आगे भी थोड़ा पॉजिटिव नोट पर आगे इस बनाया जाए, काम किया जाए। सर मैडम मित्र ने मैंने जिस तरह कोई कंप्लेंट आता है कोई राजीनामा ही कराएंगे कि मामले दर्ज होंगे इसमें? नहीं, ये सिर्फ ना इंटरफेस ही हैगा कि कंप्लेनेंट फर्स्ट लेवल इंटरेक्शन PPMM पे करते हैं, उस बेस से जो भी फर्दर मतलब इंक्वायरी लगा लो या वेरीफिकेशन ऑफ कंप्लेंट जो भी गल सामने आती उस बेस से फर्दर एक्शन होता है कि अगर वो लगता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस है, ऑफेंस इज मेड आउट टू FIR रजिस्टर की जाती है, वो लगता है कि रिजोल्वेबल इशू है आपस से उन्होंने काउंसलिंग ते उन्होंने थोड़ा सा एक समझा के अगर उस रिजोल्व होंदा इशू तो अननेसेसरी लिटिगेशन ना हो, कन्फ्लिक्ट ना हो, तो उस इस करके उन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिता जाए। तो सो फार पुलिस का जो फंक्शनिंग है कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन तक ही पुलिस का काफ़ी पॉजिटिव एक काम रहता है, नॉट दैट कि मतलब सिर्फ परचा रजिस्टर करने पक्षों ध्यान है। पॉइंट इज कि जो कंप्लेनेंट है जिसकी भी कोई शिकायत है शिकायतकर्ता की जो है तरीके गल सुन के उसका रिजोल्व कराया जाए इशू, ठीक है ना। तो कई बार कोई लगता है कि कोई इशू बात दोनों साइड को बुला के पेशेंटली सुन के अगर होंगी हैगी हल तो उससे तुम आर्बिट्रेशन मीडिएशन रिकनसिलिएशन मतलब रिजोल्यूशन कुछ भी लगा लो, उस चीज़ का अगर हल होने वाला है तो अगर लिटिगेशन आप अवॉइड कर सकते हैं तो वी ट्राई टू मेक एफर्ट कि लिटिगेशन ना हो और एमिकेबली म्यूचुअली अग्रीबल टर्म्स से कोई चीज़ होने वाली हैगी ठीक हो जाए। ऑब्वियसली जिस चीज़ कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस है FIR इज मेड आउट तो उससे तो फिर पर्चा होंगे ही है पूरा थोड़ा क्लोज। कटे हुए सिलां दा जबरदस्त इलाज, एक पुड़ी खाओ 5 घंटे दे विच तुसी देखोगे जबरदस्त असर। मोबाइल 9873-79499 फीस शर्दा अनुसार दे के इलाज कराओ। नवा शहर दुबाबा यूट्यूब चैनल संपर्क 9873-79499।